अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखते हैं अब, द लॉन्गिट्यूडनल बार शैल बी स्प्लाइट, स्प्लाइट मतलब जो आपके ओवरलैप होती है, ओनली इफ हुप्स आर प्रोवाइडेड ओवर द एंटायर स्प्लाइस लेंथ एट स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 150 मिलीमीटर। जैसे कि आप ये फ्लेक्सन मेंबर देख रहे हैं, जो बीम है, जो आपका बॉटम टेंशन रिस्पोर्समेंट है, जो यहाँ पे अपने बॉटम में क्या क्या अपने ओवरलैप लेंथ किया है, तो इसमें जो ओवरलैप लेंथ है वो डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि जो इसकी स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ द बार है, इसमें आप देखें यहाँ पे स्पेसिंग आपकी ज़्यादा है, ठीक है, और जो स्पेसिंग है ये 150 मिलीमीटर से ये कम नहीं होनी चाहिए। जितना भी आपके डेवलपमेंट लेंथ लिया है, वहीं पे आप इसकी जो स्पेसिंग है वो कम कर देंगे, या इसको कहता है, ठीक है, तो मिनिमम स्पेसिंग 150 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका एंड जोन होता है, कॉलम एंड बीम का जंक्शन जो एंड जोन होता है, वही आपको यहाँ पे स्पेसिंग रखी है, तो ये मिनिमम 150 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया है, डेवलपमेंट जो ओवरलैप लेंथ है। जो मोस्टली ड्राइंग में आपने देखा होगा जो डेवलपमेंट लेंथ होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने डेवलपमेंट लेंथ निकाला, जैसे 15 टू D होता है, इसमें दिखा हुआ है 15 टू, चलो मैं दिखा देता हूँ, 150 मिलीमीटर, क्लियर। तो द लैप लेंथ शैल नॉट बी लेस देन द बार डेवलपमेंट लेंथ, या आपकी डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, आपका जो टेंशन इन्फोर्समेंट है, बॉटम का इन्फोर्समेंट है, वो डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होना चाहिए। तो लैप स्प्लाइट नॉट बी प्रोवाइडेड, जो लैप है कहाँ पे नहीं प्रोवाइडेड, कहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं करनी चाहिए, विद ए जॉइंट, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी बीम होता है, वहाँ पे जॉइंट होता है, तो वहाँ पे लैप लेंथ प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे बीम ए, ये बीम कंटिन्यूस बीम हो गई, या सेकेंडरी बीम हो गई, तो जॉइंट जंक्शन हो गया, तो जॉइंट में आप डेवलप या लैप लेंथ प्रोवाइड नहीं करनी है वहाँ पे। सेकेंड पॉइंट क्या था, विद ए डिस्टेंस ऑफ 2D, 2D क्या होता है, जैसे कॉलम हो गया, यहाँ पे आपका कॉलम हो गया, ये आपका 2D डिस्टेंस हो गया, ये वाला 2D डिस्टेंस, तो 2D आपका डिस्टेंस हो गया, इसके अंदर अंदर में आपको क्या करना है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, ओवरलैप लेंथ प्रोवाइड नहीं करनी है, इसके अंदर अंदर भी आपको ओवरलैप लेंथ प्रोवाइड नहीं करनी है। एंड विद ए क्वार्टर लेंथ ऑफ द मेंबर वेयर फ्लेक्सुलर यील्डिंग में जनरली ओकर, देखिए फ्लेक्सुलर मेंबर जहाँ पे क्वार्टर लेंथ होती है, जो आपकी एक्स क्वार्टर लेंथ होती है, वहाँ पे उसमें आपको क्या करना है, वेयर फ्लेक्सुलर यील्डिंग में जनरली ओकर लिया जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक फोर्सेज। अर्थक्वेक फोर्सेज के अंडर जहाँ पे अर्थ, ये आपका मिडल पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक लोड होता है, तो वहाँ पे बीच में आपको मिडल पॉइंट में बीच में आपको क्या करना है, ओवरलैप लेंथ प्रोवाइड नहीं करनी है। तो नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार शैल बी अप्लाइड वन सेक्शन, तो वन सेक्शन वन टाइम में आपको 50%, तो 50 × W बार जितना लेना है आपको, 50% आपको ये आपको प्रोवाइड करना है। जैसे कि 16 बार का है, तो गुना 16 × 16 × 50 / 100, तो 50% आपको इसमें, 50% आपको इसमें प्लस करना है, ठीक है, तो 50 × 16, तो आपका 50% आपको इसमें बढ़ा देना है। ये डेवलपमेंट लाइन 50% तक मिनिमम होनी चाहिए, 15 टू D तक। उसके बाद देखते हैं वेल्डिंग, अगर आप ये कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं इस पर, जैसे कि डाव दीवार मोटा है, तो उसमें वेल्डिंग क्या करना है आपको, मैकेनिकल वैक्सन में बी मेड IS, जैसे कि 456/1978 में देखेंगे, तो उसमें क्लोज नंबर ये है, तो उसके बेस पे आपको टेस्ट होना चाहिए वेल्डिंग का। उसके बाद देखते हैं वेब रेनफोर्समेंट, वेब रेनफोर्समेंट आपका क्या आएगा, कॉल जैसे बीम है, बीम के अंदर आप स्ट्रप यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं हुप्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं क्या करना है, तो वेब रेनफोर्समेंट सेल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल हुप, वर्टिकल आपका ये बार हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, एंड वर्टिकल आपके क्या हुआ स्ट्रप्स, के उसको क्या करेंगे टाइज करेंगे, इसको अंदर स्ट्रप्स हुप्स प्रोवाइड करना है, तो ए वर्टिकल हुप इज ए क्लोज स्ट्रप, ठीक है, ये आपका क्लोज स्ट्रप होगा जो बार को क्लोज कर रखता है, आपको फेलियर से रोकता है। तो 135 डिग्री जो आपके ये हुक ले रहे हैं, जैसे कि आप ये हुक देख रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेट हुआ, तो 135 डिग्री पे आपको ये 135 डिग्री पे बेंड हो गया है। 10 और विद ए 10 डायमीटर एक्सटेंशन बट नॉट लेस देन 75 मिलीमीटर, जो ये हुक की लेंथ होगी इसकी क्या होगी, मिनिमम होनी चाहिए 10 × D, 10 × D से ये लेंथ कम नहीं होगी, और या फिर 75 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चेक कर लीजिए कि 10 × D है, देखिए 10 × W कितना है, सपोज के लिए 10, तो 100 मिलीमीटर का ये होनी चाहिए, कहाँ से, इस जंक्शन से ऐसे एंड तक, क्लियर, या फिर इसको 75 से भी कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, तो इन कंप्लिंग सर्कमस्टेंस
सर्कमस्टेंस क्या होता है आपका? सर्कमस्टेंस होता है आपका ये वाला सर्कमस्टेंस, इट मे आल्सो बी मेड अप ऑफ टू पीसीस ऑफ रेनफोर्समेंट। देखिए जो ये आपका सर्कुफ्रेंस हो गया, आपका ये सर्कुफ्रेंस हो गया है, तो इसमें आप टू पीसेज में जहाँ पे जरूरत होती है, देखिए यू शेप में आपको बनाना है, ये आपका यू शेप में बनाना है, तो इसमें भी आपको क्रोस्टाई, आपका ये क्रोस्टाई हो गया है एंड ये आपका यू शेप हो गया है, तो इसमें भी 10 डी शेप कम नहीं होना चाहिए, या 75 से, ये आपका 75 के बराबर हो या इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 75 से बराबर हो या इससे ज़्यादा होना चाहिए आपके पास, क्लियर। जहाँ पे कंडीशन होती है जैसे कि आप कॉलम एंड बीम फंक्शन में ले रहे, कॉलम एंड बीम फंक्शन के अंदर ले रहे, तो वहाँ पे प्रोवाइड होता है इस तरह से, तो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है, तो क्लियर। तो उसके बाद देखते हैं, ए क्रॉस टाई इज ए बार हैविंग 135 डिग्री हुक विद द डायमीटर डायमीटर एक्सटेंड बार बट नो लेस देन 75 मिलीमीटर ऑन ईच एंड, क्लियर। आपके पास जो भी एंड एंड होता है, आपके पास ये एंड इस टाइप का हुक होता है, 175 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार फॉर्मिंग ए हुप शैल बी 6 मिलीमीटर। मिनिमम जो डायमीटर ऑफ द बार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 6 मिलीमीटर का एमएम होना चाहिए। हाउएवर इन बीम विद क्लियर स्पैन एक्सीडिंग 5 मीटर, अगर आपके पास ये जो बीम है, ये आपका सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट, ये जब कॉलम होगा, ये कॉलम हो गया, तो इसका जो स्पैन है 5 मीटर है, तो इसमें जो आप स्ट्रप प्रोवाइड करेंगे, हुप्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, 8 mm का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो क्लियर फोर्स टू बी रेजिस्ट वर्टिकल होप्स शैल बी द मैक्सिमम ऑफ कैलकुलेटेड फैक्टर शियर फोर्स एट पर एनालिसिस। जो आपका स्ट्रप है कितने इसमें प्रोवाइड करने हैं, वो डिपेंड करता है आपका शियर फोर्स एनालिसिस पे, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज एट बोथ एंड्स ऑफ द बीम प्लस द फैक्टर ग्रेविटी लोड ऑन द स्पैन, फिगर 4। देखिए आपका कोई स्पैन है, जैसे कि स्लैब लिली स्लैब में आपने यूडीएल प्रोवाइड किया, जैसे स्लैब बीम हो गया, बीम पे आपने लोड किया स्लैब, तो प्रॉपरली जो लोड हुआ, टोटल लोड हुआ, इस पर ट्रांसफर हुआ 1.2 डेड लोड, ठीक है। तो अपने इसमें इस तरह से डायग्राम बनेंगे, आपको देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार आर इंक्लाइंड होप्स टू शियर रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन शैल नॉट बी कंसिडर। जैसे कि आपने बेंट अप बार ले रहे हैं, इसमें से आप बेंट अप बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो वर्टिकल हुप्स है, यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल हुप्स प्रोवाइड नहीं करना है, ये वर्टिकल हुप्स प्रोवाइड करेंगे, इंक्लाइंड शेप में नहीं करना है इसमें, इंक्लाइंड हुप्स टू शियर रेजिस्टेंस टू सेक्शन शैल नॉट बी कंसिडर, इसमें आपको कंसिडर नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्पेसिंग ऑफ हुप्स ओवर ए लेंथ ऑफ 2D। इसमें आप ये पूरा जो स्पेसिफिकेशन है 6.3.3 है, आपको डायग्राम में सब क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास कॉलम है, या आपका कॉलम है, ये आपका कंटिन्यूस बीम सपोर्टेड है, कंटिन्यूस बीम आप देख सकते हैं, या सिंपल सपोर्टेड बीम, तो इसमें आपको कैसे बार यूज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड हो गया है, उसके बाद जो स्ट्रेप प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर, तो मिनिमम कॉलम फेस, जो आपका कॉलम का फेस होगा, जैसे कॉलम का बार हो रहा है, इसमें बार यूज हो रहा है, कॉलम का बार यूज हो रहा है, तो उससे मिनिमम 50 मिलीमीटर का जो मैक्सिमम स्पेस रखेंगे, 50 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 इंची से आपको ये स्पेस है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि कवर छोड़ते हैं यहाँ से, ठीक है, तो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोथ फेस में से। और जो आपके पास डी है, या आपके पास क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम कहाँ पे होता है, टॉप फेस आपका, टॉप फेस ऑफ द बीम, और जो आपका सेंटर जो फेस होता है बार का, वो आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे शो कर रहा है, मिनिमम 2 बार फॉर फुल लेंथ अलोंग टॉप एंड बॉटम फेस। देखिए जो टॉप बार है एंड बॉटम बार है, मिनिमम आपको 2 बार यूज होनी चाहिए। तो एज पी मिनिमम पी डी, बी डी के आपके डेप्थ द बार, ठीक है, मैक्सिमम बी डी, तो आपके पास मैक्सिमम डेप्थ द बार से होना चाहिए, ब्रेथ इंटू डेप्थ, ब्रेथ ब्रेथ आपके पास 300 इंटू डेप्थ आपके पास 450, तो आपके पास मिनिमम मैक्सिमम इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डेप्थ द बार। तो हुप्स देखिए, एंड जोन और मिडल जोन, एंड जो मिडल जोन देखते हैं कैसे होता है, कॉलम का जो फेस है उसके फेस से, जो फेस में आपका जो एंड जोन होगा, कितनी स्पेसिंग कम रखते हैं, तो वो कितना होता है, 2D, 2D के आपके पास 2 इंटू डेप्थ ऑफ द बीम, डेप्थ ऑफ द बीम, हुप्स स्पेसिंग आपके पास क्या होना चाहिए, डी डिवाइड बाई फोर से कम नहीं होनी चाहिए, एंड 8 इंटू डेप्थ द बार से कम नहीं होनी चाहिए,
देखिए डी डिवाइड बाई फोर, 1/4 इंटू डेप्थ, डेप्थ की आप डेप्थ के आपके पास सपोज कीजिए 350, 350 डिवाइड बाई फोर, ठीक है, तो ये 87.5। जैसे इसकी स्पेसिंग होते हैं तो इसकी स्पेसिंग जैसे कि 1 बार तो सेकंड स्टेप जो इसकी स्पेसिंग है मिनिमम 87.5 तक होनी चाहिए मिनिमम, और कहाँ तक 2D तक। सपोज कीजिए इसकी जो लेंथ है तो बीम की डेप्थ है 350, 350 इसकी बीम की डेप्थ है, तो गुना करेंगे 2 बराबर आएगा 700, 700 मिलीमीटर, 700 मिलीमीटर, 700 मिलीमीटर में से अब आपको क्या करना है, डिवाइड बाई करना है 87.5, 87.5 प्लस 1, 87, 700 डिवाइड बाई 87.5, ठीक है, तो आपके पास कितने आ गए, 8, सॉरी प्लस 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 9 स्टिरअप, तो आपके पास यहाँ पे कितने स्टफ होंगे, 9। मैंने फुल क्लियरली से वीडियो में भी सिखाया हुआ कि बीम के अंदर स्टफ कैसे निकालते हैं, इस पर ड्राइंग स्ट्रक्चर इसी बेस पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, स्टफ्स बीम में कैसे निकालते हैं, स्टफ कॉलम में कैसे स्टफ क्वांटिटी निकालते हैं। तो होप्स आपके देखते हैं मिडल जोन, आपके पास सेम प्रोसीजर ये रहेगा, इसके अंदर 2D आपके पास जो जो लेंथ रहेगी 2D तक रहेगी, और स्पेसिंग आपकी जो आपके पास 8 डब दीवार, जैसे कि 8 मिनिमम डब दीवार कितना ले रहे, मिनिमम आपके पास सपोज ये 16, तो ये आपके पास 182, तो 128 या फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 8 × dB डब्ल्यू बार 128, इससे भी ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन आपके पास, डी डिवाइड बाई फोर या फिर डी 8 × dB, क्लियर। अब उसमें देखते हैं होप स्पेसिंग, होप स्पेसिंग क्या कह रहा है, डी डिवाइड बाई 2 से कम ये आपके पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डी क्या आपके पास डेप्थ ऑफ द बीम 350 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास हो गया क्या 175, तो 175 से जो इसकी स्पेसिंग है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसमें बार इसमें आपके पास आ गई ओवरलैप लेंथ, ओवरलैप लेंथ आ गई, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो मिनिमम 150, 150 से इसमें ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वहाँ पे 175 है बट इसमें ओवरलैप लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 175 से इसमें 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें स्पेसिंग आपको कम रखना है 150, या फिर जो इसमें एंड जोन में रखना है सपोज कीजिए 100, 100 ले लीजिए, तो 100 से स्पेसिंग ज़्यादा नहीं रखनी है, क्लियर। कुछ ये बेसिक्स पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किया था, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।